पूरा सपोर्ट दिया है एंड पूरी म्यूज़िक के जो टॉप सिंगर्स हैं सबने सपोर्ट दिया है। इससे बड़ी क्या बात होगी कि हमारी इंडस्ट्री अच्छे काम के लिए और पीस खास तौर पे। मैं एक ही गाना गा रहा हूँ, वंदे मातरम, जो एक अलग कॉम्पोजिशन है जो आदेश जी ने कंपोज किया है विद द फिलहार्मोनिक। इस वक्त अमन चमन शांति की बहुत ज़रूरत है और ऐसे टाइम पर हम म्यूज़िक के ज़रिए अपने संगीत के ज़रिए ये पैगाम देते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री के सभी बड़े सिंगर्स हैं, सभी एक साथ आए हैं। आदेश जी ने इतना, जैसे कि वो कहते हैं कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए सभी लोगों को इकट्ठा किया है और सबकी एकजुट आवाज़ रहे, सब जो जिस मिशन और मोटो के लिए आए हैं, द ग्लोबल साउंड्स ऑफ पीस। हम आशा रखते हैं कि 2013 में हम वो अचीव कर सकें। और बहुत ही गजब बात यह है कि आदेश श्रीवास्तव बहुत दिनों से बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे थे पर्सनली, और जब देश दुनिया की स्थिति देखते हैं ऐसे में तो कलाकार का हृदय और क्रंदित हो जाता है। तो ऐसे में उनका ये आइडिया बहुत ही यूनिक रहा, पूरे ग्लोबल आर्टिस्ट्स को जोड़ के उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, जिसमें राइट फ्रॉम श्री अमिताभ बच्चन जी टू कैलाश खेर टू शंकर महादेवन, सब कलाकारों का, सब पर लाइव परफॉर्मर्स की, इतने बड़े लाइव म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। ये भारत में शायद पहला प्रयोग हो रहा है इस प्रकार का। आदेश श्रीवास्तव जो हमारे देश के एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही गुणी संगीतकार गायक हैं, वो इस पूरे शो को, उन्होंने इस शो को ना सिर्फ कंसेप्चुलाइज किया बल्कि इस शो के सारे म्यूज़िक एक एक पीस उन्होंने खुद लिखा है, एक एक चीज़ को उन्होंने कंपोज किया है और कई सालों से वो ये कोशिश में लगे हैं कि कुछ स्पेशल हो, कुछ खास हो, जो फाइनली इतने बड़े तादाद में ये आज हो पाया है। हम सब ने एक आधा अधूरा सपना जरूर देखा लेकिन उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डियर ब्रदर आदेश श्रीवास्तव। आदेश श्रीवास्तव एक अपनी लाइफ का कम बैक कर रहे हैं विच इज़ रियली गुड, इनफैक्ट होल इंडस्ट्री इज देयर टू सपोर्ट हिम विच इज़ वेरी कमेंडेबल। सर अमिताभ बच्चन ने भी इसमें गाना गाया है, तो उस पर आप सर क्या कहेंगे? आई थिंक इज़ अ लिविंग लेजेंड, वो गाना गाए ना गाए वो स्टेज पर उनकी प्रेजेंस ही इतनी खास होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे दुनिया में एक खूबसूरत शांति का संदेश के साथ साथ लोगों को प्यार और शांति के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है पूरी दुनिया को इस वक्त पीस की बहुत ज़रूरत है, तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे म्यूजिशियन साथ में इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा मकसद भी है इस वक्त पीस के लिए। कहूँगा विश्व शांति के लिए कोई भी कदम उठाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो पहल आदेश जी ने किया है मुझे बहुत खुशी है और हम सबको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि एक ऐसे विषय को लेकर आज उस सिम्फनी का जो उन्होंने आयोजन किया है बहुत ही सराहनीय। शांति का प्रचार करने में क्या मुसीबत है आपको? हम तो केवल शांति का प्रचार कर रहे हैं। आज का बहुत ही मानव दिन है, बापू जी को श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं और शांति की बात है। लता जी को जब आप गाते हुए सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा तार बन गया है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो सुर का एक हमेशा एक बहुत ही बड़ा महत्व है। जब तक हम अपने मन के अंदर इस ख्याल को नहीं लाएंगे कि शांति बनी रहे, जो कुछ भी गांधी जी ने हमको सिखाया पढ़ाया, अपने जो आदर्श हमें देके गए उनका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन हमें बोलते रहना चाहिए। ऐसा मान लेना कि ऐसा हो नहीं रहा है और तो कुछ नहीं करें, ये भी गलत है। तो इसलिए समाज के लिए ये बेहतर है कि हम लोग सोचें और यदि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम इसका प्रचार कर सकते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें भलाई है, इसमें बुराई तो है।